हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इन कहानियों को अपने व्हाट्सएप शेयर के माध्यम से अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि ये चैनल उस मुकाम तक पहुँच जाए जब मैं अपना पूरा समय इसी चैनल पर दे सकूँ और प्रतिदिन एक नई कहानी आप लोगों के लिए ला सकूं। पिछले कुछ वीडियोज में आप लोगों की शिकायत थी कि मैं अब कहानी की शुरुआत करने से पहले आप लोगों का नाम नहीं लेता हूं। तो दोस्तों, आज मैं अपने सबसे खास व्यूअर्स का नाम लेने वाला हूं। ये लिस्ट मैंने अभी रात में जागकर बनाई है। देखते हैं आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। लोकेश सुमन, गुरु कार्टून आरजे 31, मंगल चौहान उज्जैन से, अजीत जायसवाल, अवधूत पंडा कटक से, राजेश कुमार, निशल खत्री, मोहनलाल नखाते, मितुल पाठक, साजिद शेख, जैनुल शेख, तारा पंड्या, संजय साहू, शिवम सिद्धार्थ, विजय चौहान और गोलू महावर। और एक और व्यूअर हैं, क्रिएटिव माइंड, जिस भाई का नाम मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है। आप कमेंट करके अपना पूरा नाम और जिला बता दीजिए, अगली वीडियो में आपका नाम जरूर होगा। इस कहानी के पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि जब वो आदमखोर लेपट उस विधवा माँ के बच्चे की लाश की तरफ आ रहा था, तभी उसका रास्ता किसी दूसरे लेपट ने रोक लिया था और फिर उसके बाद इन दोनों लेपट के बीच घमासान लड़ाई हुई। पूरा जंगल इन दोनों लेपर्ड की आवाज़ों से गूंज उठा। आखिरकार उस दूसरे लेपर्ड ने इस आदमखोर को अपने क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया था। उस लेपर्ड द्वारा इतना मार खाने के बाद जिम कॉर्बेट को लगा था कि हो सकता है ये आदमखोर लेपर्ड लड़ाई में आई चोटों से कहीं मर गया होगा। उसके बाद वो आदमखोर उस रात उस बच्चे की लाश पर नहीं आया था, इसलिए सुबह होने पर जिम कॉर्बेट ने उस गाँव के प्रधान को बता दिया कि अब वो आदमखोर इस गांव में कुछ महीने तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के लोकल लेपर्ड ने उस आदमखोर को वहाँ से भगा दिया है और ये भी हो सकता है कि लड़ाई में वो आदमखोर मर गया हो। इतना कहने के बाद जिम कॉर्बेट वापस रुद्रप्रयाग के लिए चल पड़े थे। इसके बाद की कहानी अब आप लोग कहानी के इस भाग में सुनेंगे। जब जिम कॉर्बेट भैंसवाड़ा गाँव से वापस लौट रहे थे, तब उन्हें रुद्रप्रयाग की तरफ लौटते समय उस आदमखोर के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। लेपर्ड जिम कॉर्बेट से कुछ घंटे पहले ही इसी रास्ते रुद्रप्रयाग के लिए गया था। इसका मतलब लेपर्ड रात में मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। ये आदमखोर लेपर्ड उस दूसरे लेपर्ड के द्वारा खदेड़े जाने के बाद तेज रफ्तार से वापस अपने घर रुद्रप्रयाग लौट आया था। कहाँ जिम कॉर्बेट सोच रहे थे कि पिछली रात की लड़ाई में या ये आदमखोर मर गया होगा, लेकिन इस लेपर्ड की चाल देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये लेपर्ड किसी दिक्कत में है। वो बस उस दूसरे लेपर्ड से जल्द बहुत दूर जाना चाहता था। जिम कॉर्बेट ने लेपर्ड के पैरों के निशानों का पीछा किया तो वो गुलाब राय तक पहुंच गए। गुलाब राय एक छोटी सी चट्टी का नाम था, जहां पर कुछ दुकानें और तीर्थयात्रियों के रुकने के लिए कुछ धर्मशालाएँ बनी थी। गुलाब राय के बाद लेपर्ड के पैरों के निशान मिलना बंद हो गए, क्योंकि लेपर्ड अब पथरीली चट्टानों पर से होकर पहाड़ी के ढलान में स्थित घने जंगल में चला गया। जिम कॉर्बेट वापस अपने कैंप में लौट आए। पिछली दोपहर नाश्ता करने के बाद से अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उन्हें बहुत तगड़ी भूख लग रही थी। वो जब से यहाँ इस लेपर्ड को मारने आए थे, तब से ही उन्होंने कभी समय पर खाना नहीं खाया। कभी नाश्ता छूट जाता तो कभी दोपहर का खाना, तो कभी रात का खाना। इसलिए यहाँ आने के बाद कॉर्बेट का वजन भी घट गया था। उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही उनके नौकर उनके लिए नहाने का पानी तैयार रखते थे। सबसे पहले कैंप में लौटकर उन्होंने गर्म पानी से नहाया और भरपेट खाना खाया। उसके बाद वो सोने चले गए, क्योंकि वो पिछली पूरी रात जागे थे। 2-3 घंटा सोने के बाद वो फिर से राइफल लेकर गुलाब राय की तरफ जल्दी से चल दी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने एक परिचित दोस्त पंडित से कहा कि वो अपने गाँव वालों को सचेत कर दे, क्योंकि लेपर्ड रुद्रप्रयाग में वापस लौटा है। इस पंडित का किरदार अब से कहानी में थोड़ा मुख्य है, इसलिए
इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस पंडित की अपनी एक धर्मशाला थी जिसमें तीर्थयात्री रात बिताने के लिए रुकते थे। ये धर्मशाला घास फूस की छत वाली थी जिसका मुंह सड़क की ओर खुलता था। जब जिम कॉर्बेट पहले पहल रुद्रप्रयाग आए थे तब उन्हें इस पंडित से दो रोमांचक किस्से सुनने को मिले थे। तभी से ये जिम कॉर्बेट का दोस्त बन गया था। जिम कॉर्बेट हिंदी, कुमाऊनी और गढ़वाली तीनों भाषाओं को अच्छी तरह से समझते भी थे और बोलते भी थे। ये दोनों किस्से पंडित से जुड़े थे, इसलिए यहाँ पर इस कहानी में मैं आप लोगों को इस पंडित के बारे में बता रहा हूँ। पहला किस्सा कुछ इस प्रकार है। पंडित ने जिम कॉर्बेट को बताया कि एक बार उसकी जान पहचान की एक महिला रुद्रप्रयाग से बाजार करने के बाद वापस अपने घर की तरफ लौट रही थी। रास्ते में उस पंडित की धर्मशाला पड़ती थी। उस महिला को रुद्रप्रयाग से बाजार करते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और वापस लौटते समय उसे ऐसा लगा कि वो रात होने से पहले अपने घर नहीं पहुंच पाएगी और अंधेरे में वो भी आदमपुर के क्षेत्र से होते हुए घर तक तो वो नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए उसने इस पंडित से कहा कि मुझे आज की रात अपनी धर्मशाला में रुकने के लिए जगह दे दे। चूँकि ये औरत पंडित की जान पहचान की थी इसलिए पंडित ने भी मना नहीं किया, लेकिन उसने उस महिला से इतना ज़रूर कहा कि अगर वो घर नहीं पहुँचेगी तो क्या तुम्हारे घर वाले परेशान नहीं होंगे। तब उसके जवाब में उस औरत ने कहा कि नहीं, वो पहले से ही वो अपने घर पर बताकर आई थी कि वो आज रात रुद्रप्रयाग में अपनी बहन के घर रुकेगी। लेकिन रुद्रप्रयाग जाकर उसे पता लगा कि उसकी बहन किसी रिश्तेदार के वहाँ किसी कार्यक्रम में गई है, इसलिए बाजार करने के बाद ये औरत वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी थी और रास्ते में ही रात हो गई। उस औरत की ये बात सुनकर पंडित ने भी कहा कि फिर तुम्हें रुकने के लिए मना नहीं करूँगा। इस पंडित की धर्मशाला में पहले से ही लगभग 50-60 तीर्थयात्री रात में सोने के लिए रुके हुए थे। ये औरत उस पंडित की जान पहचान की थी इसलिए पंडित ने इस महिला को सबसे सुरक्षित जगह पर सोने के लिए जगह दे दी। धर्मशाला के एक तरफ सड़क थी और ठीक इसके विपरीत दूसरी दिशा में एक कमरा था जिसके अंदर ये पंडित खाने पीने का राशन स्टोर करके रखता था और यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को पंडित यही राशन बेचा करता था। आप इस कमरे को एक छोटा गोदाम भी कह सकते हैं। उस गोदाम के दरवाजे पर उसने उस महिला को सोने के लिए जगह दे दी और सामने की तरफ लगभग 50-60 तीर्थयात्री एक लाइन में सोए हुए थे। उस धर्मशाला का मुंह सड़क पर खुलता था जिस पर कोई दरवाजा नहीं था। यहाँ तक कि रात में धर्मशाला के अंदर किसी भी जानवर को घुसने से रोकने के लिए कोई बाड़ भी नहीं लगाई गई थी। इसलिए उस पंडित ने सभी तीर्थयात्रियों से कह दिया था कि रात होने पर वो आदमखोर इंसानों की तलाश में इधर उधर घूमता है, इसलिए रात में कोई भी आवाज़ ना करे और ज़रूरत पड़ने पर झुंड में ही इस धर्मशाला से बाहर निकले। इतना कहने के बाद वो पंडित अपने घर में सोने चला गया। उन तीर्थयात्रियों ने अपने खाने के लिए कुछ खाना बनाया और अपने साथ उस औरत को भी खाने के लिए दिया। उसके बाद सब लोग ज़मीन पर सो गए। ज़मीन पर एक लालटेन जल रही थी जिसकी रोशनी बहुत कम थी। तभी रात में उन तीर्थयात्रियों के बीच में सोई एक औरत उठकर चिल्लाने लगी। वो बोल रही थी कि उसके पैर में बिच्छू ने काट लिया है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी तीर्थयात्री भी उठ गए और जब लालटेन की रोशनी में उसके पैर पर देखा गया तब उस महिला के पैर पर एक छोटा सा चीरे का निशान लगा था जिसमें से बहुत हल्का खून निकला था। ये बस एक खरोंच थी। तब उसके साथ के तीर्थयात्रियों में से कुछ लोगों ने कहा कि तुम बेवजह सबको परेशान कर रही हो, तुमको किसी बिच्छू ने नहीं काटा है। बिच्छू के काटने पर खून थोड़े निकलता है, हो सकता है कि तुम्हें रास्ते में कहीं पर यह खरोंच लगी हो जो अब दर्द कर रही है, सो जाओ और हमें भी सोने दो। उसके बाद सभी तीर्थयात्री वापस सो गए। अगली सुबह जब पंडित अपने घर से बाहर निकला तब आसमान में थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया था। वो धर्मशाला की तरफ आया तब उसने सड़क पर कोई कपड़ा पड़ा देखा। वो उस कपड़े की तरफ बढ़ा तो उसने देखा, अरे ये तो उसकी जान पहचान की औरत की साड़ी है जिस पर खून लगा हुआ था। उस साड़ी को देखकर वो पंडित समझ गया कि पिछली रात जिस चीज़ का डर था वही हो गया। वो दौड़कर धर्मशाला में गया तब उसने देखा कि उसने जिस औरत को पिछली रात गोदाम के दरवाजे पर सोने की जगह दी थी वो औरत वहाँ पर नहीं है। रात में वो आदमखोर उस औरत को उठा ले गया था। दरअसल रात में जब सभी तीर्थयात्री थकान की वजह से गहरी नींद में सो रहे थे तभी वो आदमखोर यहाँ पहुँच गया था।
इतने सारे लोगों के बीच में से होते हुए वो लेपर्ड उस औरत के पास पहुंचा और उसको गले से पकड़कर यहां से लेता गया। लेकिन जाते जाते उसके पिछले पैर का एक नाखून एक दूसरी महिला के पैर पर लग गया था और उसके पैर से खून निकलने लगा था, इसलिए वो महिला रात में चिल्लाने लगी थी और उसे लगा था कि उसे बिच्छू ने काट लिया है, जबकि ये लेपर्ड के नाखून का घाव था। उस समय किसी भी तीर्थयात्री ने ये ध्यान नहीं दिया कि वो औरत अब वहाँ नहीं है। अब सवाल ये उठता था कि आखिर इतने सारे लोगों के बीच में से उस लेपर्ड ने इस महिला को ही क्यों मारा? या तो उसने उस महिला की वेशभूषा से शायद ये पता कर लिया था कि ये वहीं लोकल की महिला है और उस लेपर्ड को पहाड़ी लोगों का मांस खाने में ही ज़्यादा मज़ा आता था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने उस महिला के अंदर आदमखोर के डर को भाप लिया था, क्योंकि उस पहाड़ी महिला के अलावा वहाँ पर रुके हुए बाकी तीर्थयात्री आदमखोर के खौफ से उतना परिचित नहीं थे जितना कि वो औरत खुद थी। इस किस्से को ख़त्म करते हुए ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि आखिर क्यों 50 लोगों को छोड़कर ये लेपर्ड उनके बीच से होते हुए आया और उसी पहाड़ी औरत को वहाँ से उठा ले गया। आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब आप लोगों को उस पंडित का दूसरा किस्सा सुनाता हूँ। ये घटना सन 1921 में घटी थी। उस समय तीर्थयात्रियों के लिए केदारनाथ के कपाट खुले हुए थे और ये वो समय था जब वो आदमखोर सबसे ज़्यादा इंसानों को अपना शिकार बना रहा था। तब उस आदमखोर के डर से ये पंडित अपनी धर्मशाला में किसी भी तीर्थयात्री को रुकने नहीं देता था, लेकिन एक रात वहाँ पर कुछ तीर्थयात्री आए जिनकी संख्या 8 या 10 थी। उन लोगों ने उस पंडित से जिद की कि वो आज रात यहीं पर रुकना चाहते हैं। हालांकि पंडित ने उन लोगों से वहाँ रुकने के लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन वो तीर्थयात्री काफ़ी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने पंडित से कहा कि अगर तुम हमें धर्मशाला के अंदर सोने नहीं दोगे तब हम बाहर ही बरामदे में सो जाएंगे। तब पंडित को लगा कि अगर रात में आदमपुर इन लोगों में से किसी को भी मारेगा तब उसके धर्मशाला की बदनामी होगी, इसलिए उसने अपने घर के अंदर ही उन तीर्थयात्रियों को सोने के लिए कहा। उसके एवज में उसने तीर्थयात्रियों से कुछ रुपए भी लिए। रात में खाना खाने के बाद सब लोग एक ही कमरे में सो गए। कमरे के अंदर वो पंडित भी सो रहा था। उस कमरे में हवा आने जाने के लिए कोई खिड़की नहीं थी और ये गर्मियों के दिन थे, इसलिए आधी रात के करीब उस कमरे में घुटन जैसा माहौल हो गया। इसलिए पंडित ने गर्मी से परेशान होकर उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर बरामदे में आकर दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से सांस लेकर ताज़ी हवा अंदर खींचने लगा। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी जानवर के कूदने का आभास हुआ। दरअसल जैसे ही पंडित ने दरवाज़ा खोला तब वो लेपर्ड वहीं से गुजर रहा था। जब उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो वो समझ गया कि अब कोई ना कोई इंसान उस घर में से निकलेगा ही, और जैसे ही पंडित बाहर आया उसने सबसे पहले उछलकर अपने दांत पंडित की गर्दन में गड़ा दिए। पंडित शरीर से ताकतवर था, उस पंडित ने जैसे तैसे धक्का देकर उस लेपर्ड को पीछे धकेल दिया और लेपर्ड नीचे सीढ़ियों पर गिर पड़ा। उसके बाद लेपर्ड फिर से पंडित पर लपका और इस बार उसने पंडित के एक हाथ पर अपने नुकीले दांत और नाखून धंसा दिए। उसके नाखून उस पंडित के शरीर में गहरे घुस गए थे और अपने आप को छुड़ाते हुए उस पंडित का पूरा हाथ और गर्दन लेपर्ड के नाखूनों से घायल हो गया था। पंडित की चीख सुनकर बाकी के तीर्थयात्री भी उठ गए और वो उस पंडित को जैसे तैसे कमरे में खींच लाए और उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उस पंडित के गले पर और हाथों पर बहुत गहरे घाव लगे थे जिनमें से काफ़ी खून बह रहा था और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो पंडित कुछ ही देर में मर जाएगा। ऊपर से उमस भरी गर्मी, ऐसा लग रहा था कि वो घाव कुछ ही देर में अब सड़ने लगेंगे। पंडित की चीख दूर दूर तक लोगों ने सुनी, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो घर से बाहर निकले। दूसरी तरफ वो लेपर्ड रात भर उस दरवाजे को अपने पंजों से खरोच कर खोलने की कोशिश करता रहा और सुबह उजाला होने पर वो लेपर्ड वहाँ से चला गया। पंडित अभी तक दर्द के मारे बेहोश हो चुका था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। जल्दी जल्दी उसे पास के अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर 3 महीने तक उस पंडित का इलाज किया गया। उसका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि वो पंडित कुछ ही दिनों में मर जाएगा। इस बेचारे पंडित के
गले के अंदर की खाना निगलने वाली नली भी कट गई थी, इसलिए उसके गले में एक कृत्रिम नली लगाई गई थी जिससे उसे खाना खिलाया जाता था। इन 3 महीनों में उस पंडित का काफ़ी उपचार हुआ और वो पंडित आश्चर्यजनक रूप से बच गया। इस पंडित का बचना वाकई चमत्कार था। उस घटना को बीते अब 4 साल हो गए थे, लेकिन उस पंडित के गले और कंधे पर लगे घाव उस दर्दनाक रात को आज भी बयान कर रहे थे। वो पंडित इन किस्सों को बताते हुए अपने गले और हाथ के घाव जिम कॉर्बेट को दिखा रहा था और जिम कॉर्बेट से कह रहा था कि साहब, उस आदमखोर के हमले में मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो बच पाया हूँ, बाकी इस लेपर्ड ने कभी किसी इंसान को अधबरा नहीं छोड़ा। जिनको उसने घायल करके छोड़ा वो भी कुछ दिनों में मर गए। जिम कॉर्बेट ने उस पंडित की कुछ फ़ोटो भी ली थी, लेकिन पंडित के गले के घाव फोटो में उतना साफ नहीं दिखते हैं क्योंकि तब के कैमरा उतना बढ़िया नहीं होते थे। इतने दिनों से रुद्रप्रयाग में रहते रहते कॉर्बेट एक बात समझ गए थे कि ये लेपर्ड 4 या 5 दिनों में एक न एक बार रुद्रप्रयाग से गुलाबराय वाले रास्ते से ज़रूर गुजरता है। इसलिए 3 रात जिम कॉर्बेट धान के पुआल वाले खुम पर बैठे, लेकिन लेपर्ड रात में उस रास्ते से नहीं गुजरा। 4th दिन इबर्टसन भी पौड़ी से रुद्रप्रयाग आ गया। उसके आने से जिम कॉर्बेट को एक नई ऊर्जा मिलती थी। वो हमेशा आशावादी बातें करता था। उसे विश्वास था कि वो लेपर्ड कॉर्बेट के हाथों ही मारा जाएगा। जब तक इबर्टसन यहाँ से दूर रहता था तब तक वो जिम कॉर्बेट को पत्र भेजता रहता था और जिम कॉर्बेट भी उन पत्रों का जवाब इबर्टसन को देते थे। इन पत्रों में अधिकतर उस लेपर्ड के बारे में ही बातें होती थी। इन्हीं पत्रों के आधार पर इबर्टसन सरकार को भी आदमखोर के बारे में बताता कि उसको मानने के लिए अब तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं, और यही खबरें तब भारत के हर एक समाचार पत्र पर छपती थी, जिसके कारण कई पत्रकारों द्वारा समाचार पत्र में छापा गया कि सरकार को इस आदमखोर को मानने के लिए और ज़्यादा प्रयास करने चाहिए। जैसे भारत ही नहीं अन्य देशों के शिकारियों को भी इनाम का लालच देकर रुद्रप्रयाग बुला लेना चाहिए। समाचार पत्रों की बातों का असर ये हुआ कि सिर्फ एक शिकारी ने इबर्टसन को पत्र भेजा था जिसमें लिखा था कि अगर सरकार से उचित इनाम और खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था की जाएगी तो वो रुद्रप्रयाग आने के लिए तैयार है। इबर्टसन ने ये बात जिम कॉर्बेट को बताई। जिम कॉर्बेट को यहाँ आए कई महीने बीत चुके थे और इतने दिनों में जिम कॉर्बेट एक भी बार उस लेपर्ड पर गोली नहीं चला सके थे। हाँ, उस लेपर्ड के चक्कर में 2 बेगसूर लेपर्ड मारे जरूर गए थे। इतने महीने लेपर्ड की तलाश में पहाड़ियों में चढ़ना उतरना, समय से भोजन नहीं मिलना, रात भर जागे रहना, इन सभी कारण से कॉर्बेट साहब का शरीर काफ़ी दुबला हो गया था और ये अभियान मानसिक रूप से तो कई और गुना ज़्यादा थका देने वाला था। दूसरी तरफ समाचार पत्रों में ये छपने लगा था कि जिम कॉर्बेट उस आदमपुर को कभी नहीं मार पाएंगे, इसलिए उनको रुद्रप्रयाग छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, कहानी के इतने भाग सुनने के बाद अब आप जान गए होंगे कि जिम कॉर्बेट द्वारा खुद की जान दांव पर लगाकर उस लेपर्ड को मारने की कोशिशें की गई थी। समाचार पत्रों में ऐसी खबरों का छपना कहीं ना कहीं उनको भी परेशान कर देता था। जिम कॉर्बेट और इबर्टसन इसी संबंध में आपस में बातचीत करते रहे कि क्या किया जाए। जिम कॉर्बेट को किसी जरूरी काम से 3 महीने पहले ही दक्षिण अफ्रीका जाना था, लेकिन इस अभियान में लिप्त होने के कारण वो दक्षिण अफ्रीका नहीं जा पाए थे और अब उनको भी ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें वापस नैनीताल लौट जाना चाहिए। वो लेपर्ड को कभी नहीं मार पाएंगे। उन्होंने इबर्टसन से कहा कि वो अब यहाँ बस 10 दिन और रुकेंगे। इन 10 दिनों में अगर वो उस लेपर्ड को नहीं मार पाए तब उनकी जगह उस दूसरे शिकारी को दे दी जाए जो अपनी स्वेच्छा से यहाँ आना चाहता है। बातचीत में जिम कॉर्बेट ने इबर्टसन को ये बता दिया था कि ये लेपर्ड गुलाबराय और रुद्रप्रयाग के बीच के रास्ते में 5 दिन में कम से कम एक बार जरूर गुजरता है, इसलिए वो अगली 10 रात इसी रास्ते के बगल पर बैठेंगे। शाम के समय इबर्टसन, जिम कॉर्बेट और उनके कुछ आदमी गुलाब राय पहुँचे। उन लोगों के साथ मचान बांधने का सामान भी था। उन सभी लोगों ने मिलकर एक आम के पेड़ पर मचान बनाया। ये आम का पेड़ उस पंडित की धर्मशाला से 40-50 फीट नीचे ढलान की तरफ था। इस पेड़ के नज़दीक में एक खूंटा गाड़ा गया और उसमें बकरे को बांध दिया गया। बकरे के गले में एक घंटी बांधी गई थी
जिम कॉर्बेट आज से 10 रात इसी मचान पर बैठने वाले थे। जब मचान बनकर तैयार हो गया तब इबर्टसन और उसके आदमी वापस बंगले पर चले गए और जिम कॉर्बेट वहीं रुके रहे। बकरे के सामने हरी घास डालकर वो इस पेड़ के नीचे बैठकर सिगरेट का कस खींच रहे थे और रात होने का इंतजार कर रहे थे। अभी अंधेरा होने में कुछ समय बचा था तभी वो धर्मशाला वाला पंडित उनके बगल में आकर बैठ गया। उसने जिम कॉर्बेट से कहा कि साहब, मैंने आपको ये मचान बनाते हुए देखा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर मत बैठिए, क्योंकि वो लेपर्ड यहाँ पर नहीं आएगा। तब जिम कॉर्बेट ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब उस पंडित ने कहा कि उसे बस यूँ ही लगता है कि वो लेपर्ड यहाँ पर नहीं आएगा। तब जिम कॉर्बेट ने कहा कि चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि वो लेपर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ रहने से आपकी धर्मशाला में रुके हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षा तो मिल ही जाएगी। इतना सुनने के बाद पंडित समझ गया कि जिम कॉर्बेट वहीं बैठेंगे और वो उठकर वापस अपने घर में चला गया। जिम कॉर्बेट पहली रात उस मचान पर जागते रहे, लेकिन रात में लेपर्ड के आने की कोई हलचल नहीं हुई। दूसरी रात उन्हें एक काकड़ के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़े समय के लिए उन्हें ऐसा लगा कि लेपर्ड वहाँ पर आ गया है और उस रास्ते से होकर गुजरेगा, और जब वो रास्ते के पास उस बकरे को बंधे हुए देखेगा तब वो उस बकरे को जरूर मारेगा। हालांकि रात बहुत कम उजाले वाली थी, ऐसे में बकरे के गले में बांधी गई घंटी से ही उस लेपर्ड के हमले का पता चलता है। लेकिन कुछ देर बाद उस काकड़ ने बोलना बंद कर दिया और लेपर्ड वहाँ आया तो सही, लेकिन उस रास्ते से नहीं गुजरा। ऐसे करते करते 10 रात बीत गई। पंडित की बात कहीं ना कहीं सत्य हो रही थी। इन 10 रातों में सिर्फ एक बार जिम कॉर्बेट को ऐसा लगा था कि वो आदमखोर लेपर्ड कहीं आसपास ही था। उसके अलावा बाकी बची 9 रातों में उन्हें उस लेपर्ड के वहाँ आने का कोई संकेत नहीं मिला। लेकिन ये बात पक्की थी कि लेपर्ड इसी इलाके में था, क्योंकि इन 10 दिनों में उसने एक बकरे और एक भेड़ को गौशाला में घुसकर मार दिया था। इस बीच उस लेपर्ड ने एक घर का दरवाज़ा भी तोड़ा था, लेकिन वो तो उस घर में रहने वाले लोगों की अच्छी किस्मत थी कि उस घर में 2 कमरे थे। जब आगे वाले कमरे का दरवाज़ा टूट गया तब उस परिवार के लोग अंदर वाले कमरे में बंद हो गए थे और वो दरवाज़ा आदमखोर नहीं तोड़ पाया था। ये 10 रात बीतने के बाद 11वें दिन जिम कॉर्बेट और इबर्टसन ने आपस में बातचीत की कि उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि कॉर्बेट और इबर्टसन दोनों का ही मन रुद्रप्रयाग के लोगों को आदमखोर की दया पर छोड़कर जाने के लिए नहीं था, इसलिए 10 दिन बीतने के बाद भी अब वो लोग इस बात पर विचार कर रहे थे कि वो लोग यहीं रुके या यहाँ से चले जाएं। इबर्टसन 10 दिनों से छुट्टी पर था और जिम कॉर्बेट को किसी जरूरी काम से दक्षिण अफ्रीका जाना था। तब उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें रुद्रप्रयाग के लोगों को ऐसे ही आदमखोर की दया पर छोड़ देना चाहिए और नए शिकारी को उस आदमखोर को मारने का मौका दे देना चाहिए। लेकिन कोई भी नया शिकारी इस लेपर्ड की आदतों को जानने और पहचानने में कई महीने का समय लगा देगा, और इतने महीनों में वो लेपर्ड ना जाने कितने इंसानों को अपना शिकार बना चुका होगा। तो फिर क्या किया जाए? जिम कॉर्बेट ने इबर्टसन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मेरे दोस्त, तुम परेशान ना हो, आज की रात मैं फिर से वहीं मचान पर बैठने जा रहा हूँ, कल इस बारे में सोचा जाएगा। तो दोस्तों, आपने इस भाग में सुना कि उस मचान पर बैठे बैठे जिम कॉर्बेट की 10 रातें बीत गई, लेकिन लेपर्ड नहीं मारा गया। अब जिम कॉर्बेट को दक्षिण अफ्रीका के लिए निकलना था और इबर्टसन को वापस पौड़ी जाना था। अब समय आ गया था कि जिम कॉर्बेट को एक कठिन फैसला लेना था, लेकिन इस कठिन फैसले से पहले जिम कॉर्बेट ने इबर्टसन से बस एक रात कुछ और ना सोचने को कहा, और वो अंतिम रात उस लेपर्ड की तलाश में बैठने वाले थे। दोस्तों, कहानी के अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि रुद्रप्रयाग में जिम कॉर्बेट की आखिरी रात में क्या क्या घटना घटित हुई, वो लेपर्ड मारा गया या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कहानी का अगला पार्ट आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और जाते जाते ये भी वादा है कि भले ही मुझे आज पूरी रात जागना पड़े, लेकिन इस कहानी का अगला भाग कल जरूर आएगा। अब तो आप लोग खुश हैं ना? खुश हैं तो फिर जाते जाते कम से कम वीडियो को अपने व्हाट्सएप शेयर के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर से कल।